जून का महीना खत्म होने में अब चंद दिन बाकी है। ऐसे में आपके लिए ये तीन जरूरी कार्य करना बेहद जरूरी है, जिसे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इन तीन कामों की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी काम की। ये जरूरी कार्य है अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना। जिन्होंने अभी तक अपने पैन और आधार लिंक नहीं किए हैं, वो 30 जून से पहले करवा लें। इसके लिए आपको 1,000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देरी ना करें और तुरंत इस कार्य को पूरा करें। तो इसके बाद बात करते हैं SBI की अमृत कलश योजना की, जो 30 जून को खत्म होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई फिक्स डिपॉजिट अमृत कलश योजना बेहद फायदेमंद है। इसके तहत सीनियर सिटीजन को FD पर 7.60%, अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए आप निवेश कर सकते हैं। अमृत कलश एक स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट FD है, जिसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और आम नागरिकों को 7.1% के दर से इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें अधिकतम आप 2 करोड़ रुपए तक की FD करवा सकते हैं। अब बात करते हैं EPFO कर्मचारियों की। आपको बता दें कि EPFO ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय कर रखी है, जिसमें EPFO सब्सक्राइबर आवेदन दे सकते हैं। हायर पेंशन के लिए वैसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 या उससे पहले EPFO के सब्सक्राइबर थे, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। तो कैसी लगी सच कहूं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी? हमारे दर्शक हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि 30 जून से पहले इन तीन कार्यों को हमारे दर्शक पूरा कर सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।